ये वाइफ की एनिवर्सरी है और मैं जो है यहाँ पर उनके लिए सरप्राइज देने जा रहा हूँ उनके घर पे, अपनी अम्मी के घर पे हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ चलेंगे। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। उजैर भाई ये कौन सी लेके आ गए? हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी एनिवर्सरी नहीं है। आप गलत टैग लेके आओ, आप केक पे भी गलत लिखवा के लाए कि हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे है। आपने केक पे हैप्पी एनिवर्सरी लिखवा दिया और टैग भी आप हैप्पी एनिवर्सरी का लेके आए। नहीं ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसे ही हो सकता है, ये दिखा है इधर, ये आपने क्या बोला था दुकान वाले को जाके हैप्पी एनिवर्सरी लिख दो उस पे? उसने बोला था कि एनिवर्सरी करवाना है या बर्थडे करवाना है, मैंने बोला एनिवर्सरी कर दो, तो एनिवर्सरी हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इस मैडी व्लॉग। इस वक्त बज रहे हैं 12:15 और यहाँ हो रही है खाने की तैयारी। खाने की तैयारी इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी है आज बर्थडे, तो हमने सोचा चलो कुछ दावत जैसा खाना बनाया है, तो यहाँ हमारी बहन की होने वाली है शादी, तो हमने कहा चलो इसी से ही ट्राई करते हैं। और ये यहाँ काट रही है प्याज बिरयानी के लिए और ये बनाने वाली है बिरयानी, तो देखते हैं इसके हाथ की बिरयानी कैसी होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक साइड चावल भिगोए हुए हैं बिरयानी के और वहाँ पर वो एक साइड, यहाँ अभी इस वक्त कटिंग हो रही है प्याज की, अभी बिरयानी बनना स्टार्ट होगी तो फिर हम देखेंगे किस तरह। यहाँ हो गई है बिरयानी के प्याज, डाल दी है तेल के अंदर, ये आधी बिरयानी की प्याज तुम शायद निकाल लोगी ब्राउन करके, और फिर ये बिरयानी की प्याज इसमें, ये इसमें यखनी बनेगी। तली हुई प्याज ये ऐसे आधी कर ली और यहाँ पर ये हो रही है यखनी तैयार, या ऑलमोस्ट हो गई है, बस इसको थोड़ा सा तेल ऊपर आ जाए और थोड़ी सी भुन जाए तो ये यखनी तैयार हो जाएगी, और फिर जब वो तय लगाएंगी तो फिर देखेंगे कि हमारी बहन ने किस तरह बनाई है ये बिरयानी और कैसी बनी है और टेस्ट में कैसी है। और है संडे का दिन और यहाँ नहीं आई है मासी, और हमारी बहन बनी हुई है मासी जो संडे संडे को रोज काम करती है, संडे को झाड़ू लगा। अब क्या बोल रही थी, क्या सबसे ज्यादा काम वाली बहन हूँ मैं, लेकिन ये लोग फिर मुझे काम छोड़ कहते हैं। आप सब देख सकते हैं कौन झाड़ू लगा रहा है, सिर्फ मैं। ओहो, अभी अभी यह झाड़ू लगा लेगी तो फिर हम दिखाएंगे घर अभी ने कितना कर दिया है साफ। बहुत तेज हो रहा है। और यहाँ लग गया है मज़ेदार सी बिरयानी को दम, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई रिमशा ने तो बना डाली बिरयानी, फर्स्ट टाइम बनाई है इसने, और शक्ल से तो बहुत मज़ेदार लग रही है। अब ये ढक देगी और अब देखें, ये माशाल्लाह भाई बहुत अच्छी बिरयानी बनी है, फर्स्ट टाइम बनी है, बहुत अच्छी बनी है, मेरी बर्थडे पे बनी है। और चलें जी यहाँ स्टार्ट करते हैं हम खाना बनाना। अब मैं खाना बना रही हूँ नरगिसी कोफ्ते, अपनी सालगिरह के दिन अपने हस्बैंड के लिए, घर वालों के लिए। मैंने कहा चलो अम्मा के पास है ज़रा मज़ेदार खाना बनाते हैं, ये लिए मैंने प्याज तली हुई, ये खोपरा और खशखश। इसको हल्का सा ब्राउन कर लीजिएगा, तवे पे जलाइएगा नहीं, लाइट ब्राउन रखिएगा बिल्कुल, ठीक है, वरना जलाइए, ज़्यादा तेज़ रखेंगे चूल्हे पे तो ये जल जाएगा। और दूसरी तरफ है यहाँ मसाले, लाल मिर्च पिसी हुई, नमक, हल्दी, गरम मसाला, इलायची, दालचीनी, साबित बड़ी इलायची, लौंग और तेज़पात, ठीक है, ये सब आपने मसाले ले लेने हैं। ये गौर से और देख लीजिए कि क्या क्या मसाले हैं, कि ये गरम मसाला है और ये सारा पिसावा मसाला है जो हम लोग आम तौर पर डालते हैं। ये गरम मसाला पिसावा भी लीजिएगा और साबित भी लीजिए।
यहाँ पर दूसरी तरफ लिया है मैंने दही, दही एक प्याली लिया है, ठीक है। बाकी 6 अंडे लिए हैं, 6 अंडों को मैं हाफ हाफ भी कर लूँगी बॉईल करके नरगिसी कोफ्तों के लिए, सही है। और अब हम स्टार्ट करेंगे पकाना। ये खशखश और खोपरा जो था ये भुना हुआ था तवे पे, आपने इसने ग्राइंड कर लेना है प्याली के अंदर, सही है। अब नेक्स्ट टाइम में आप जो है जो आपने प्याज आधी फ्राई करके रखी है वो नरम सी होती है, ये सारा जो पिसा हुआ मसाला है खोपरा खोपरा और खशखश वाला मसाला ये ग्राइंडर में डालेंगे। उसके बाद ये आधी तली हुई प्याज डालेंगे, जो हाफ तली भी मैंने निकाल ली थी प्लेट में, ये अब आप ये डालेंगे। उसके बाद हम करेंगे इसमें सारे मसाले ऐड। हल्दी आधा है चमचा, नमक एक चमचा है, मिर्चे 2 चमचे हैं और गरम मसाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जो है इसमें आप ऐड करेंगे और अब आप कर लेंगे इन सब चीज़ों को ग्राइंड। और दूसरी जानिब देखिए, ये कोफ्तों के लिए जो मैंने कीमा करके रखा है ये मशीन का कीमा है और इसके अंदर ऐड है नमक, मिर्ची, हल्दी, हरी मिर्चें, हरा धनिया और पुदीना। इनको मैंने काट कर क्रश कर कर मसाला मिला कर ये रख दिया है मैंने इस पर लगा के रख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब आप जो ये मैंने सारा मसाला डाला है इसमें दही ऐड करें और इन सबको कर लें आप ग्राइंड। सालन का मसाला ये, ठीक है। दूसरी तरफ आपने क्या किया, कढ़ाई में अदरक लहसुन डाला और जो मैंने सारा साबुत मसाला बाहर पहले से निकाल के रखा था बताया था, तेज़पत्ते इसके अंदर, दालचीनी है, बादियान का फूल है, लौंग है और 2 इलायची हैं। आपने क्या करना है, इस तेल के अंदर इसका पहले बघार लगा देना है और चूल्हा स्लो रखिएगा। अब इसके अंदर आपने जो ग्राइंड किया है ग्राइंडर के अंदर, जो मसाला आपने ग्राइंड करवाया है मैंने अभी आपसे, इसके अंदर आप वो शामिल कर लेंगे और वो इसको शामिल करके आपने इसको खूब पकने देना है, खूब भूनने देना है कि ये बिल्कुल भून जाए। ऐसा नहीं हो कि मसाला कच्चा कच्चा रह जाए। असल में इसके अंदर हमने शामिल किया है पिसावा खशखश और खोपरा, ये दोनों चीज़ें हमने इसके अंदर अच्छी से शामिल करना है कि वो अच्छा सा सालन भून जाए। अब दूसरी तरफ हम चलें जब तक बना लेते हैं अपने कोफ्ते। देखें, कोफ्तों का मसाला मैंने आपको बता दिया है कि मैंने क्या बनाया है। अब अंडे मैंने कर लिए हैं बॉयल और अंडों को कर लिया है इसमें हाफ हाफ। अब मैं बनाना शुरू करूँगी कोफ्ते। आपने इसने बना देना है कोफ्तों के अंदर आपने अंडा रखना है और उसको गोल गोल करके इस तरीके से बनाना है कोफ्ते और उस पर धागे लपेट देना है। ये नरगिसी कोफ्ते कहलाते हैं, ये अक्सर लोग बनाते भी हैं। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने आपको ये बताई है कि हमने इसके अंदर खोपरा और खशखश ऐड किया है सालन में, वरना बनाते तो सब लोग हैं लेकिन इस तरह से नहीं बनाते। अब आपने इसने फ्राई कर देना है, डीप फ्राई करना है, हल्का सा ब्राउन फ्राई करना है ताकि ये सालन में जाके टूटे ना, ठीक है। अब मैं इनकी शक्ल देखिए आप कोफ्तों की, इस तरीके से इनको डीप फ्राई करके निकाल देना है और बराबर में कटे रखे हैं आलू। अब आपने सालन में इन दोनों चीज़ों को कर देना है ऐड। ये देखिए मेरा सालन कितना भुना हुआ नज़र आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह के देखें, ऑयल भी इसके ऊपर आ गया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बिल्कुल पानी पानी हो रहा हो। आपने इसके अंदर आलू ऐड कर देने हैं, इसको गलाना है, फिर इसके अंदर कोफ्ते जो आपने रखे हैं वो कोफ्ते ऐड कर देने हैं। इनको दोनों को मिक्स कर लें आराम से कि टूटे ना कोफ्ते, बहुत ख्याल रखिएगा। अब इसमें आप थोड़ा सा ऐड कर दें पानी और अब इसके अंदर ज़ीरा, साबित गरम मसाला डालेंगे और चमचे से सालन को हिला देंगे, ठीक है। देखें, मैं थोड़ा सा एहतियात से चमचा हिला रही हूँ कि कोफ्ते ना टूटें। आप लोग भी इतने ही एहतियात से चमचा चलाइएगा वरना कोफ्ते अक्सर टूट जाते हैं, और अगर जिनके टूटते हैं वो अंडा भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब ये देखिए, ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखिए, अब इसमें आप डालेंगे हरे धनिया और हरी मिर्चों ऊपर से, और ये तैयार हो गया हमारा नरगिसी कोफ्तों का सालन। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है बनाना, बहुत अच्छा है। देखें इसकी आप, मैं डिश आउट कर रही हूँ, आप इसकी शक्ल देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए, आप लोग ट्राई करें और मुझे बताएं कैसा लगा। मोमेंट्स लेटर, ये वाइफ की एनिवर्सरी है और मैं जो है यहाँ पर उनके लिए सरप्राइज देने जा रहा हूँ उनके घर पे, अपनी अम्मी के घर पे हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ चल के आपको सरप्राइज भी देंगे। आपने क्या बोला था दुकान वाले को जाके हैप्पी एनिवर्सरी लिखा? उसने बोला था कि एनिवर्सरी करवाना है या बर्थडे करवाना है, मैंने बोला एनिवर्सरी तो एनिवर्सरी। अब क्या होगा, है
लो भाई हैप्पी एनिवर्सरी। सब सब रेड लेकर आया हूं। लो भाई रेड एंड व्हाइट। तो यहाँ रात में हो रही थी मेरी बर्थडे की तैयारी और मुझे यहाँ पता नहीं था कि बर्थडे का सरप्राइज़ मुझे मिलने वाला है। मैं तो बिल्कुल सोई पड़ी थी अपने बेटे के साथ और इनके बाबा भी व्लॉगिंग करते हैं तो थोड़ी सी वीडियो मैंने उनसे लेकर ऐड करी है यहाँ पर दिखाने के लिए। और यहाँ दूसरी जानिब जो है शोरेम खेल रहे हैं गुब्बारे से, ये उठ गए हैं और यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं। और मैं मम्मी के पास जाती हूँ तो बच्चे तो अक्सर मेरे वही लोग संभालते हैं और मैं सो जाती हूँ। और ये आयत भी जो है माशाल्लाह देखें हंस रही है और अपने बाबा के साथ खेल भी रही है और मेरी बर्थडे की तैयारी भी कर रही है। और बर्थडे में मिलने वाला है मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं तो समझी शायद बर्थडे भूल गए लेकिन ये तो बर्थडे को एनिवर्सरी समझे। और ये देखिए ये तैयारी हो गई है हमारी। और ये देखिए हैप्पी एनिवर्सरी, ये हैप्पी एनिवर्सरी यार। चलो बंदा चलो बर्थडे भूल गया लेकिन एनिवर्सरी का दिन भी भूल गया। चले आप ये देखिए यहाँ मैंने काट लिया केक। चले माफ किया चले जी यहाँ हो गई बर्थडे ख़त्म और आयत बनी हुई है इस वक्त शोरेम की। अम्मा ही शोरेम को सुलाना चाह रही हैं। अब हो गया हमारे सोने का टाइम। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में और मुझे ढेर सारा ख्याल रखें अपना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप न्यू हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़।